लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और अपने विरोधियों पर टीका टिप्पणी का खेल जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर जो पोस्ट किया है वो सच में शर्मनाक है। सुप्रिया के इस पोस्ट को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक महिला दूसरी महिला के बारे में ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट कैसे कर सकती है। आश्चर्य तो तब होता है जब गलती करके बहाना बनाया जाता है। पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टा हैंडल से कंगना को लेकर पोस्ट किया और जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसे डिलीट भी कर दिया। बाद में सुप्रिया ने सफाई दी कि उनका इंस्टा अकाउंट हैक हो गया था और उनके इंस्टा का पासवर्ड कई लोगों के पास होता है। पर जरा आप सोचिए कि अगर सुप्रिया का अकाउंट हैक हो गया था तो फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने इसे तुरंत डिलीट कैसे कर दिया। लोग इसी सवाल को लगातार पूछ रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी की करीबी सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस का नेहरूवादी चेहरा दिखाया है। बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर कहा कि क्या प्रियंका गांधी इस पर कुछ बोलेंगी, क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे सुप्रिया श्रीनेत को हटाएंगे, हाथरस वाली लॉबी अब कहां है। पहले कांग्रेस ने संदेश खाली पर स्पष्टीकरण दिया, फिर लाल सिंह को टिकट मिला और अब ये पोस्ट। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने भी सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया है। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से डाले गए विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल से मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में मैं मोहक जासूस बनी थी, मणिकर्णिका में देवी बनी थी तो चंद्रमुखी में राक्षसी के तौर पर नजर आई थी, रज्जो में वैश्या के रूप में किरदार निभाया और थलाइवी में क्रांतिकारी नेता की भूमिका भी अदा की। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि हमें देश की बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त कराना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाले यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, हर महिला गरिमा की हकदार है। आपको बता दें कि इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया कंगना रनौत को लेकर, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और कांग्रेस पर जो है उसकी मानसिकता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है फिलहाल आपको सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत द्वारा जो पोस्ट किया गया है कंगना रनौत को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।